हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है और कभी तो रिमझिम रहती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है। और आप देखेंगे मेरी पूरी छत गीली हो रही है, ये देखिए पूरी छत पे पानी भर रहा है। और अभी भी मैं आपको दिखाऊँ पास से तो यहाँ पर पानी गिर रहा है, अभी भी जो बूंदाबांदी हो ही रही है। और कभी ये तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और इस बरसात के मौसम में आपको अपने गार्डन में क्या काम करने हैं, मैं आपको बाहर दिखाऊं तो ये देखिए पूरा ग्राउंड पानी से भर चुका है। ये देख सकते हैं आप, जो पीछे की रोड साइड है वो वाली जगह आने जाने के लिए ठीक है, बाकी सब जो ग्राउंड है पानी से भर गया। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे कि आप मेरे पॉट्स देखेंगे तो इनमें ये देखिए, ये 4 दिन से बारिश आ रही है, यहीं पे पड़े हैं। मैंने जो अपने इंडोर प्लांट हैं उनको भी कुछ को बाहर निकाल दिया है, और जैसे एक दिन 2-4 को बाहर निकाल देती हूँ फिर वापस अंदर रख, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ओवर वाटरिंग ना हो जाए इसलिए। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो यहीं पर ही पड़े हैं। तो आपको क्या काम है जो इनमें करना है इस बरसात के टाइम पे आपको करना है, या आपके यहाँ पे बारिश नहीं स्टार्ट हुई तो आप उससे पहले ही कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये मेरा पॉट है, गमला है। तो आप यहाँ पे आप सब में देखेंगे तो इतनी तेज़ बारिश आई है, लेकिन यहाँ पे आपको पानी किसी में भी जमा हुआ नहीं दिखेगा। मैं सारे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किसी में भी आपको पानी रुका हुआ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गमलों के जो ड्रेनेज हॉल हैं वो अच्छे से चेक कर लेने हैं उनको। और अगर जैसे कोई प्लास्टिक का है तो ये देखिए मैंने इस तरह से साइड में भी इनके ड्रेनेज हॉल निकाल रखे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से अगर आपने नहीं निकाले हैं तो आप अभी भी जो कोई भी पेचकस वगैरह उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक जो आता है वो इलेक्ट्रिकल होता है उसको आप स्विच ऑन करके गर्म करके कर लीजिए। और इसमें तरह से जो प्लास्टिक के कंटेनर है उनको आप उनमें हॉल कर लीजिए, ताकि आपका जो पानी है ये थोड़ी देर भी इसमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही आता, जैसे ही बारिश गिरती है बस वो नीचे से गिरता रहना। आप ये देखेंगे कि मेरे मिट्टी मिट्टी हो रही है क्योंकि ये मिट्टी बह के नीचे से जाती रहती है। तो आपको अपने ड्रेनेज हॉल बहुत अच्छे से चेक करने हैं, वरना आप ओवर वाटरिंग की वजह से जो है इनको आपके जो पौधे हैं वो मर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि अब बरसात का सीज़न आ गया है, आप डिसाइड कर लीजिए और कटिंग की तैयारी कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी कटिंग लगानी है। मैं जैसे कि ये जेड प्लांट की कटिंग मैंने लगा दी हैं, और जहाँ पे भी मैं बाहर जा रही हूँ किसी ना किसी, देखिए ये एक हैंगिंग प्लांटर के लिए है, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो इसकी मैं कटिंग ले आई थी और इसको पानी में डाल दी, अभी मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। और ये एक फ्लावर प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग लगा दी और ये मेरे ख्याल से ये लग भी रहा है। तो इस तरह से जो है आपको इनकी जो भी कटिंग आप लगाना चाहते हैं आप इनकी कटिंग लगा दीजिए। बरसात में बहुत अच्छे से आपके 99% चांसेस हो जाते हैं कटिंग लगने के। तीसरी बात, जो रेनी सीज़न के लिए आप सीडलिंग करना चाहते हैं उसको भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। जैसे कि आप तोरई, लौकी, टिंडे, ये जून जुलाई में आप तोरई हो गई, लौकी हो गई, टिंडे हो गए, और ये देखिए मैंने यहाँ पे ककड़ी, खीरा और इसकी बेलें मैंने सीडलिंग कर दी थी। जो 2-4 तो यहाँ पर जितने इस में पूरे में डाली थी गिलहरी ने नहीं छोड़ी, कितनी भी कोशिश कर लो वो तो अपनी मनाही करती है। तो इस तरह से जो भी मैंने मिर्ची की, टमाटर की उधर कर दी है, तो जहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है वहाँ पे उसको दीवार से टच करके रख दीजिए ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, तो आपके जो सीड्स हैं ना वो जर्मिनेट जल्दी होंगे और आपके वो अब उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी।
और इस टाइम अपने इंडोर प्लांट्स को बाहर निकाल कर रख दीजिए ताकि उनको बरसात का पानी मिले। अगर वो अंदर रहेंगे तो उनको बारिश का पानी नहीं मिलेगा, और इस टाइम अगर बारिश का पानी मिलेगा और फिर जब वो उनकी धूप निकलती है तो धूप में वो धूप भी उनको नुकसान नहीं करेगी ये बरसात वाली। तो आप अपने इंडोर प्लांट्स को निकाल कर बाहर रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगी कि कनेर की कटिंग ज़रूर लगाइए, ये आपका सबसे चीप एंड बेस्ट गार्डनिंग आइडिया है। कनेर की कटिंग काट के लाइए, ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग लगाई थी पिछले साल भी क्या अगस्त में लगाई थी। तो अब ये देखिए इसमें फ्लावरिंग आने लग गई है, ये देखिए। और शॉपिंग के लिए जो गार्डन की शॉपिंग के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौसम आ गया, अब आप अपने गार्डन के लिए शॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अब आप उनको लाइए और उनको एक दो दिन क्या आप लाते उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपका पौधा नहीं सूखेगा अगर आप जहाँ रहते हैं उस जगह पर बारिश स्टार्ट हो गई है तो। जैसे मेरे यहाँ पे 4 दिन से सूरज नहीं निकला है तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैंने जिनको ट्रांसप्लांट किया उनको मैंने कोई शेड में नहीं रखा, कहीं नहीं रखा, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही तो मेरे प्लांट जो है बिल्कुल भी नहीं मुरझाए। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने पॉट के अंदर इतना इतना हिस्सा हम खाली रखते थे, इसको अभी मैं भी शाम को ये करूँगी कि मेरे पास जो मिट्टी पड़ी है उससे भर दूँगी। आप पूरा भर दीजिए ताकि जो मिट्टी है जो पानी है वो इसके अंदर इकट्ठा ना हो, और जितना मतलब होगा उतना जितना खाली रहेगा इससे उतना पानी तो आता ही आता है, स्टोर हो जाता है, फिर वो ड्रेनेज होता है तो उससे आपकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। जो भी आप वेजिटेबल फ्रूट जो भी खाते हैं आप उनके बीज सिर्फ आप अपने क्यारी है तो क्यारी भी और गमला है तो पॉट है तो कंटेनर कुछ भी हो उसमें डाल दीजिए और आपके इस तरह से जर्मिनेशन निकल जाएगी। चाहे आप मिर्ची हो, जो भी फेवरेट मिर्ची है आपकी, लाल मिर्ची है, तीखी मिर्ची है, मोटी मिर्ची है, शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, किसी के भी हो, मैं तो इसी तरह से डाल रही हूँ। देखिए कचरे में से भी देखिए सीडलिंग निकल रही है क्योंकि इनमें मे बी या तो गेंदे की वो हम फूलों की माला होती है उसके होंगे या फिर पालक के सीड्स होंगे, आई डोंट नो किसके रहते हैं, जब बड़े होंगे तो अपने आप पता चल जाएंगे। और बात करें फर्टिलाइज़र की तो आप अपने प्लांट को इस टाइम पे गोबर खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, सीवीड के और आप कुछ दाने इसमें डाल दीजिए। अगर आप केमिकल यूज़ करते तो DAP डाल दीजिए, मैं नहीं यूज़ करती। और नीम ऑयल से अभी स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बारिश में धुल जाएगा, तो अभी आप नीम ऑयल का यूज़ मत कीजिए। अगर आप अपनी तुलसी से बहुत सारे और प्लांट बनाना चाहते हैं तो उनके सीड्स को मिट्टी में छिड़क दीजिए, आपके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे इन बरसात में ताकि आप पड़ोसियों को भी बांट सकें, एक धर्म पुण्य का काम ही कर लीजिए। इस तरह से अगर आप अपना वर्टिकल गार्डन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अभी बरसात में बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कटिंग लगाएंगे पॉटचुलका की किसी की भी तो वो बहुत जल्दी फैलेगी और अच्छी फ्लावरिंग करेगी। आज धूप नहीं है तो पॉटचुलका के फ्लावर नहीं आ रहे, सिर्फ एक आधा ही खिला है, धूप होने से ही इसके 9 o'clock मॉर्स रोज के जो फ्लावरिंग अच्छी होती है। किसी भी प्लांट को अगर आप अब छोटे से बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं या किसी का पॉट चेंज करना चाहते हैं तो आप अब कर सकते हैं। कोई इस टाइम आप ट्रांसप्लांट के लिए, सीडलिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, हर किसी के लिए आप फ्री हैं। ये देखिए मोगरा की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, जो पौधा मेरा मर गया था उसकी आज देखिए क्या अच्छी हालत हो गई है। इस कुत्ते को भी पता नहीं क्या चाहता है, कंटिन्यू भौंकने लग रहा है, एक सेकेंड भी नहीं रुक रहा। तो फ्रेंड्स, और इस टाइम पे जिनके यहाँ पर पानी की कमी है वो भी गार्डनिंग कर सकते हैं क्योंकि बरसात का बरसात है तो आपको वाटरिंग बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर बरसात हो गई तो आपको 2 दिन तक वैसे ही धूप निकलेगी तो भी आपका वो 2 दिन तक मॉइस्चर चल जाएगा, तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको बारिश में बरसात में करने हैं अपने पौधों के साथ में, और ताकि आपके पौधे मर ना जाएं ओवर वाटरिंग से या इनसे।
तो और आपके सभी प्लांट्स को बारिश का पानी भी मिलना चाहिए, हम उन्हें अंदर भी नहीं रख सकते। और अगर आप उन्हें बाहर रखते हो तो उनके लिए क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं कि आपके प्लांट्स ओवर वाटरिंग से मरे नहीं, तो वो मैंने टिप्स आपको बता दिए हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फर्टिलाइज़र की, हर किसी की, मेरे ख्याल से मैंने सारी बात बता दी। कोई आपको क्वेश्चन हो तो, क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, मैं ज्योति मिलती हूँ किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।